अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा रागी एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी। इसके लिए एक कढ़ाई गैस में रख ली हूँ मैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसी में डाल देंगे एक कप पोहा। आपके पास जो पोहा है वो लीजिए, मेरा थोड़ा मोटा वाला पोहा है। इसको भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, हल्का क्रिस्पी होने तक इसको भून लें। 3 से 4 मिनट इस तरह भून ली हूँ मैं। थोड़ा क्रिस्पी हो गया है, गैस को कर देंगे बंद। इसको ठंडा होने के बाद इसको पाउडर कर लेंगे, बारीक करके पीस लियो मैं इस तरह। इसके एक साइड रख देंगे। एक मिक्सिंग बोल रख लियो मैं केक का बैटर तैयार करने के लिए। इसमें डाल देंगे 1/2 कप गुड़। गुड़ को थोड़ा बारीक करके चॉप करके रख ली थी मैं, पाक साफ होना चाहिए गुड़। इसी में डाल देंगे 1/2 कप दूध। 1/2 कप दूध में थोड़ा बचा के रख ली हूँ मैं, बाद में ज़रूरत लगी तो डाल देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इसी में डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल में स्मेल नहीं रहना चाहिए, आप इसके जगह बटर को मेल्ट करके डाल सकते हो। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको पिघला लेंगे। इसी में अच्छे से पिघला ली हूँ मैं, अब देख लीजिए। एक छन्नी रख लेंगे, इसी में डाल देंगे रागी का आटा, 1 कप है ये। सभी मेज़रमेंट बराबर होना चाहिए। इसी में डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा नमक 3 पिंच, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम सिनेमन पाउडर, आप इसकी जगह इलायची पाउडर, वेनिला एसेंस को भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है ये। ये बहुत मज़ेदार है, ये हेल्दी रेसिपी है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ मैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसी में डाल देंगे 1 टेबलस्पून कोका पाउडर, जो मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ पोहा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके छान लेंगे। इस तरह छानने से जो भी लम्स रहता है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह करने से स्मूथ बैटर बन के तैयार होता है। इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा बचा हुआ दूध डाल देंगे। और भी थोड़ा दूध की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, थोड़ा डालूँगी मैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। पूरा दूध डाल रही हूँ मैं, आपको बताऊंगी मैं कितना दूध ज़रूरत पड़ेगी बोल के। अच्छे से मिक्स कर लियो मैं। मुझे 1 कप दूध लग चुका है इतना बैटर बनाने में। इस तरह होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह। इसके एक साइड रख देंगे। एक टिन ले लियो मैं इसको केक बनाने के लिए। आपके पास जो अवेलेबल है, इस थोड़ा ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो। थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, चिकना कर लेंगे इस तरह। अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ मैं। थोड़ा आटा डस्ट कर लेंगे, आटे से क्लीन से निकल जाएगा। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी रख सकते हो इस तरह, चारों ओर इस तरह कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटे को हटा लेंगे। स्टीन में इस केक का बैटर डाल देंगे, पोर कर लेंगे। इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। इसी में डाल देंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें डाल रही हूँ काजू, आप चाहे तो बादाम और भी जो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, आपको जो पसंद है। टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी अच्छा बनता है। इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहिए। इसको थोड़ा दबा लेंगे स्पैचुला से। प्री हीट करने के लिए एक पतीले में एक स्टैंड रख के, इस तरह जाली वाला स्टैंड रख के इसमें गर्म करने के लिए रखती हूँ मैं। आप चाहे तो नमक डाल के भी इसको रख सकते हो, डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए स्टैंड, वो इस तरह का प्लेट वगैरह रखना चाहिए। डायरेक्ट रखने से जल जाएगा केक। प्रीट हो चुका है, इसमें रख देंगे। इसको ढक के 30 से 45 मिनट तक इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में
ओपन करके नहीं देखना है, बीच में होल पड़ जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। चेक कर लेंगे, 45 मिनट्स हो चुका है। एक टूथपिक की मदद से इस तरह देख लीजिए, क्लीन से निकल के आ चुका है टूथपिक। इसका मतलब अच्छे से कुक हो चुका है। इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, हल्का भी थोड़ा गर्म है, आप देख लीजिए साइड छूट गया है। इस तरह इसको इस नाइफ की मदद से इस तरह लूज कर लेंगे। इसको एक प्लेट्स की मदद से उल्टा कर लेंगे, इस तरह टैप टैप कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। आप देख लीजिए इसका लुक। बिना दही के, बिना सूजी, बिना मैदा के, बिना आटा के आज आप लोगों को बता रही हूँ मैं। इसको कट करके बताती हूँ। कितना पौंजी हमारा रागी पोहा का केक बनकर तैयार हो चुका है। आप देख लीजिए इसका टेक्सचर देख लीजिए। बिना दही के, बिना सूजी के, बिना आटा, बिना मैदा के, आप देख लीजिए कितना अच्छा हेल्दी केक बिना शुगर के। उम्मीद है कि आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।